Assalamualaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss endocytosis and exocytosis. To understand the concept of endocytosis and exocytosis, let's move towards the whiteboard. Students, in today's lecture we will talk endocytosis and exocytosis. एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों टाइप्स में जो सेल्स हैं वो मटेरियल्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किस लिए किया जाता है तो इन क्वेश्चन के आंसर्स को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम एंडोसाइटोसिस से हम कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन यानी सेल्स जो हैं वो मटेरियल्स को इनसाइड मूव करते हैं हम कहते हैं सेलुलर इंजेशन ऑफ बल्की मटेरियल्स यानी बल्क की फॉर्म्स में एक मैस की फॉर्म में जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक इनफोल्डिंग बनेगी या पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा साथ ही साथ हम कहते हैं एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स वैक्यूल्स की फॉर्म में जो मटेरियल्स हैं उसको पैक करके सेल के अंदर लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब इसको हम इमेज की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं ये हमारे पास इमेज है इसमें हम सिर्फ एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सेल में अब ये आउटसाइड जो है हमारे पास फूड मटेरियल है अब इस मटेरियल को जो है सेल के अंदर लेकर जाना है सबसे पहले जो सेल में ब्रेन है उसमें एक इनफोल्डिंग क्रिएट होगी यह हम कहते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ये एक इन फोल्डिंग बनती है तो जो फूड मटेरियल है वो मूव करके इस इनफोल्डिंग में आ जाता है और नेक्स्ट ये जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ से मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज होते होते फिर एक वैक्यूल बना देती है अब ये जो वैक्यूल है इसकी सराउंडिंग में अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन यानी ये एक वैक्यूल बनाने के लिए किस चीज़ को यूटिलाइज किया गया है सेल मेम्ब्रेन को अब ये हमारे पास क्या है वैक्यूल तो इस तरह से ये जो वैक्यूल है ये बनाए जाते हैं अब इसके अंदर जो है फूड मटीरियल्स है सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं अगर तो सॉलिड मटेरियल्स को सेल के अंदर लेकर जाया जा रहा है तो इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस या हम कहते हैं सेलुलर ईटिंग यानी सेल जो है वो कुछ खा रहा है और सॉलिड मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाएगा लेकिन समटाइम्स ऐसा भी है हमारे पास कि जो सॉलिड मटेरियल्स है ये तो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इनसाइड द सेल लिक्विड को भी इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस तो अगर लिक्विड को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस जिसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं तो अब ये जो एंडोसाइटोसिस है इसकी हमने फर्दर टू टाइप्स देखी अब नेक्स्ट जो होता है इस वैक्यूल में से जितने भी इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ लाइजोजोम्स ब्रेकडाउन के बाद सेल में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग वेस्ट है अब उसको सेल से आउटसाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की कर दिया जाएगा अब इस वैक्यूल्स में से आप देख सकते हैं कि ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे या कंपोनेंट्स जो सेल्स को रिक्वायर थे वो अब सेल के अंदर ही प्रेजेंट हैं जबकि जो वेस्ट था उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा पोर्शन एंडोसाइटोसिस का अब अगर इसमें आप देखें कि एंडोसाइटोसिस में कहीं भी किसी किस्म की भी कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई सिंपली जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन एक इनफोल्डिंग बनाती है पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है फूड मटेरियल्स उस पाउच में आ जाते हैं और फिर जो मेम्ब्रेन है वो कट ऑफ होके एक वैक्यूल बना देती है इस वैक्यूल में अब जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक करके सेल में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी जो वेस्ट है उसको सिंपली सेल मेम्ब्रेन के साथ दोबारा से जो वैक्यूल है वो फ्यूज़ करता है और वेस्ट को बाहर रिमूव कर दिया जाता है अब इस पूरे प्रोसेस में जो है वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती तो एंडोसाइटोसिस को हम कहते हैं कि ये भी क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट है अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट है जब फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड हो या लिक्विड हो वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं तो मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो वैक्यूल बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाता है ओवरऑल हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो कम हो जाती है लेकिन नेक्स्ट जब ये इसमें से वेस्ट रिमूव किया जा रहा है तो वही जो वैक्यूल है मैम के साथ दोबारा से फ्यूज़ करता है और अगेन उस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है तो इस तरह से मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो दोबारा से रिहैबिलिट्यूट की जाती है या हम कहते हैं दोबारा से नॉर्मलाइज होती है तो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन जो है ये नॉर्मल नौर्म, रहेगी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की इसमें हम कहते हैं द मूमेंट ऑफ मटीरियल आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस अब एक्सोसाइटोसिस जो है वो सेल्स क्यों करते हैं हम कहते हैं टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट आर वेस्ट सेल में जो वेस्ट हैं उनको सेल से बाहर जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ मटीरियल्स हैं अब ये जो मटीरियल्स हैं इनको क्या किया जाएगा सबसे पहले वेसिकल सबसे पहले वैक्यूल की फॉर्म में इनको पैक किया जाएगा अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब वेक्यूल्स बनाने के लिए मेम्ब्रेन कहाँ से आती है तो ये जो वेस्ट रिमूव किया जा रहा है इनके सराउंडिंग में जो कवरिंग है वो बनाते हैं गोल्जी ऑपरेटस गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं वो इन वेस्ट को पैक करते हैं नेक्स्ट अब ये जो वैक्यूल है ये जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर एक ओपनिंग बनती है और अब इसमें जो वेस्ट है वो सेल से बाहर रिमूव कर दिया जाता है नेक्स्ट इस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल जो किडनी है वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है तो अब ये जो वेस्ट है रिमूव कर दिया गया अब जैसे ही ये जो वैक्यूल है ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है तो अब जो इसकी मेम्ब्रेन थी वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा बन जाएगी लाइक like, इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि जो एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये भी देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस में मटेरियल्स जो है वो इनसाइड द सेल मूव करते हैं और इसमें एंडोसाइटोसिस में वैक्यूल्स बनते हैं एक्सोसाइटोसिस में हम कहते हैं कि मोमेंट जो है मटेरियल्स की वो आउटसाइड द सेल होती है यानी मटेरियल्स को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट हम दोनों टाइप्स में देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती अब चूंकि दोनों में एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती तो इनको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप्स हैं अब जो एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है दोनों में जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसमें फर्दर हम कहते हैं कि दोनों में फर्दर टू सब टाइप्स हैं कौन कौन सी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस और सेकेंड है हमारे पास पिनोसाइटोसिस तो इस तरह से जो बॉडी है उसमें जो प्रेजेंट सेल्स हैं वो मटेरियल्स को इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट्स करते हैं और इन दोनों में जो फाइनल डिफरेंस है वो ये है कि एंडोसाइटोसिस के, एंडो के दौरान जो सेल मेम्ब्रेन है वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि जब फूड मॉलिक्यूल्स या मटेरियल जो हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं तो वो एक वैक्यूल बनाती हैं तो इसी वजह से जो मेम्ब्रेन की ओवरऑल लेंथ है वो क्या होती है कम हो जाती है मेम्ब्रेन शॉर्टन हो जाती है जबकि एक्सोसाइटोसिस में हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इंक्रीज करती है साइज में तो ये एक मेजर डिफरेंस है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के केस में और मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बल्क यानी एक मैस जो है मटेरियल्स का बल्की फॉर्म में वो इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ तक स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस को वन बाय वन किया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की एंडोसाइटोसिस की और एक्जोसाइटोसिस की फिर हमने देखा कि किस तरह से इन दोनों टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में जो मटेरियल्स हैं उनको सेल के अंदर और सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमने कहा कि इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती दैट्स वाई बोथ दीज प्रोसेस आर नोन एज आर आल्सो टर्म्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर हमने बात की कि जो एंडोसाइटोसिस है उसमें जो सेल में है वो शॉर्टन हो जाती है जबकि जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें सेल में ब्रेंज है वो वाइडर हो जाती है और दोनों जो ट्रांसपोर्ट है इसमें सॉलिड मटेरियल्स और लिक्विड मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसाइड द सेल आर आउटसाइड द सेल्स और अगर सॉलिड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और अगर लिक्विड मटेरियल्स हैं तो इनको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज